ये जो लाइट आप जो देख रहे हो ये SJG का कंपनी का है, जो कि अच्छा कंपनी है। इसका लाइट जो है येलो कलर और वाइट कलर में जलेगा। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोग को। इसका प्राइस है 2000 रुपया, 2000 रुपया है उसका प्राइस है। उसके अंदर में फ़ैन एक है लगा हुआ है, जैसे आप ऑन करोगे लाइट को वो फैन चलना शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्टर वाला लाइट है, दो लाइट है। इस लाइट को मैं फिट करने वाला हूँ यामाहा R15V3 में। ऐसे ही R15V3 का लाइट कम जलता है, इसलिए मैं इसको फिट करने वाला हूँ। कस्टमर लेके आए हैं मेरे पास कि इसको फिट कर दो बोल के, तो मैं लगाऊंगा। ये प्रोजेक्टर वाला लाइट है, येलो कलर और वाइट कलर में जलता है। इसके साथ क्या क्या दिया है कंपनी में आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये एक दिया है जो कि LED है प्रोजेक्टर वाला, और एक है दो प्रोजेक्टर वाला लाइट कंपनी दिया है, और उसके साथ इसका किट है जो कि नट बोल्ट दिया हुआ है फिट करने के लिए, और एक एलेंकी दिया है स्पैनर 5 mm का। ये हो गया, अब देख सकते हैं दोस्तों, ये किट है और दो क्लैम है उसके साथ। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, चलो निकाल के दिखाते हैं। ये दो क्लैम है, ये उसके साथ फिट होगा। ये दो क्लैम है, इसके अंदर वो प्रोजेक्टर वाला लाइट फिट होगा। चलो दिखाते हैं दोस्तों इसको कैसे फिटिंग करते हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। चलो फिट करके दिखाते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए मैं मडगार्ड का बोल्ट को निकाल दिया था, अभी उससे मैं फिट कर रहा हूँ फ्रंट मडगार्ड का। आप लोग देख सकते हैं, इस क्लैंप को इस तरह से लगाना है और इसको टाइट करना है। आप भी इस तरह से घर पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास स्पैनर रहेगा तो आप कर सकते हो। देखिए इसको मैं फुल टाइट कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो LED बल्ब है उसको लगाएंगे, प्रोजेक्टर वाला जो बल्ब है उसको लगाएंगे दोस्तों। लगा के मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी ऐसे लगेगा, उसके ऊपर दोनों बोल्ट लगेगा। चलो वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे लगेगा। इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो आप उसको घुमा के फिर से लगा सकते हो। उसका पॉइंटेड जैसे चेंज हो जाएगा तो आप उसको पॉइंटेड को सीधा करने के लिए उसको घुमा के भी लगा सकते हो। चारों साइड बोल्ट दिया हुआ है इसमें प्रोजेक्टर में। लाइट हेडलाइट टेढ़ा पड़ रहा है तो पॉइंटेड आप सीधा करके लगा सकते हो फिर से। देखिए ऊपर में एक एलेंकी बोल्ट लगाना है 5 mm का, और नीचे एक लगाना है। ये सब लगाने के बाद उसका पॉइंटेड टेढ़ा पड़ रहा है या आगे गलत पड़ रहा है तो आप उसको सीधा भी कर सकते हो, वहीं पे इसको खोल के फिर घुमा के लगाना है। ये इस तरह से हो गया, ये लग गया। उसके बाद उसका वायरिंग जो करना है, इधर सकअप से नीचे होके नहीं किया, लाना है आपको, लाना है सकअप को नीचे से। और वो जो डिस्क ब्रेक का जो केबल लगा हुआ है, जो पाइप आया है, उसी से कनेक्ट कर देना है। वहीं से टैप करके ऊपर ले जाना है हैंडल की तरफ। और इस बाइक में एक प्लस पॉइंट है, मैं आप लोग को दिखाना बोलना चाहूँगा क्या कि देखिए इस बाइक का जो फेयरिंग के साथ जो लाइट है वो हैंडल मुड़ने के बाद नहीं किया, वो टर्निंग पॉइंट में प्रॉब्लम होता है। जिस टर्निंग कहीं पे है तो आप काट रहे हो वहीं पे टर्निंग में जा रहे हो तो प्रॉब्लम आता है। बाइक कटने के बाद आगे जल दिखता है तो नहीं दिखता। इस अभी हम लोग क्या किए हैं, इसको मडगार्ड में लगा दिए हैं, फ्रंट मडगार्ड में। जैसे आप जिस साइड में मूव करोगे उस साइड ही लाइट दिखेगा। जैसे कि हीरो होंडा डीलक्स हो गया, स्प्लेंडर, पैशन प्रो, इस बाइक में जैसे दिखता है उस टाइप ये दिखेगा आप लोग को, और अच्छा लगेगा। कहीं पे भी नाइट में आप लोग जा रहे हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और लाइटिंग का इशू नहीं है, अच्छा लाइटिंग आ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी। चलो फिट करते हैं दोस्तों। ये तीनों कलर में अलग अलग कनेक्शन लगेगा। जो रेड कलर का तार जो है वो है वाइट कलर में जलेगा, और जो
येलो कलर का है, वो येलो कलर में ही चलेगा। एक ब्लैक कलर का ग्राउंड है। टिक टॉक स्विच एक लेना है, मैं से आप लोग को दिखाया। टिक टॉक स्विच है, ये तीनों साइड काम करता है। बीच में आप रखोगे तो ऑफ होगा, और दोनों साइड करोगे तो इसका लाइट जलेगा। ऐसे वाला एक स्विच लाना है और लगाना है। देखिए ये बाइक के साथ जो आया है उसी का लाइट है, हम लोग जो फिट किए हैं उसी का लाइट आप लोग को जला के अभी दिखाऊँगा। मैं अभी आप लोग को जला के दिखाऊंगा दोस्तों। ये जो बाइक के साथ जो आया है उसी का लाइट है जो जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इतना लो जल रहा है। इतना हैवी बाइक में इतना लो लाइट लगा दी है कंपनी। अब राइट पर जा रहे हो तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन मैं अभी फिट किया हूँ, देखो मैं जला के दिखा रहा हूँ आप लोग को कितना अच्छा जल रहा है लाइटिंग, आप देख सकते हैं। जिस साइड आप हैंडल मुड़ोगे उस साइड लाइट जलेगा, दिखेगा लाइट। देखिए हम लोग उसका मडगार्ड में लगा है ना, इसलिए आप जिस साइड हैंडल मुड़ोगे उस साइड लाइट दिखेगा। और येलो कलर में भी जलता है, ये दोनों कलर में है, वाइट और येलो, हम देख सकते हैं। लाइटिंग का कुछ इश्यू नहीं है दोस्तों, आप लगा के देख सकते हैं। ये वाइट कलर का है, सामने से जस्ट ऐसे दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं इतना मस्त दिख रहा है बाइक, अच्छा लुक दिख रहा है। और ये येलो कलर का हम लोग जला के दिखाए थे आप लोगों को। आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे लगाना है क्या है। इसका लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अच्छा लाइटिंग आ रहा है, देख सकते हैं आप। बाइक के साथ जो दिया है लाइट बहुत कम जलता है उसका। अब किसी राइड पर निकले हो तो आप लोगों को लाइट पता नहीं चलेगा टर्निंग पॉइंट में, लेकिन हम लोग जो लगाए हैं वो अच्छा है लाइटिंग। और ये लाइट मंगाओगे तो आप लोग ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और आप लोग को चाहिए तो मुझे कॉल करोगे तो मैं बता दूंगा, इसका चार्जेस अलग से लगेगा। आप लोग मतलब पहुँचने के लिए अलग से चार्जेस लगेगा आप लोग को भेजने के लिए। ये कस्टमर लेके खुद आए थे तो मैं लगाया हूँ ये लाइट, लाइटिंग अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मैं आपको सामने से दिखाऊंगा कैसे लाइटिंग आ रहा है, देखिए कैसे एक बार देखिए अच्छा लाइटिंग आ रहा है। बाइक का लुक ही चेंज हो गया आपको लाइट की वजह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों।